चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर इंदौर से बता दें कि जहां कम्युनिस्ट नेता की लाश के दौरान मौत हो गई है, सीएए के विरोध में खुद को आग लगाई थी और 90% जली हालत में इनका इलाज चल रहा था। जेब में से सीएए और एनआरसी विरोधी पर्चे भी मिले हैं। कई दिनों से पार्टी की ओर से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि 2 दिन पहले खुद पर कैरोसिन डालकर आग लगाई थी और एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी था और बता दें कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि कम्युनिस्ट नेता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पार्टी की ओर से ये विरोध कर रहे थे एनआरसी और सीएए का। जेब से इसके पर्चे भी मिले हैं। 2 दिन पहले खुद पर कैरोसिन डाल लिया था, आग लगा ली थी और एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। 90% तक ये जल चुके थे और आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि कम्युनिस्ट नेता की मौत हो गई है, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। 2 दिन पहले खुद पर कैरोसिन डाल लिया था और आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन अब उनकी मौत हो गई है। 90% तक ये जल चुके थे। गंभीर हालत में इन्हें एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि पार्टी की ओर से ये विरोध कर रहे थे, रमेश प्रजापति इनका नाम था, और ये विरोध कर रहे थे सीएए और एनआरसी का, और इसी के चलते उन्होंने खुद पर कैरोसिन डाल लिया था और आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके बाद उन्हें एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था इलाज के लिए, लेकिन अब इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। दिनांक 24 जनवरी को लगभग 6:30 बजे शाम को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अपने आप को आग लगा ली है और उसे एम्बुलेंस में भर्ती कराया गया। सूचना पर हम लोग मौके पर पहुंचे थे और जिसे 108 के माध्यम से अस्पताल भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा था। उस समय कथन देने की स्थिति में नहीं होने से कथन नहीं लिए जा सके। आज शाम को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अभी कारण स्पष्ट नहीं है, अब चूंकि उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, मर्ग कायम कर लिया गया है और जांच में लिया जाएगा जिन जिन बिंदुओं को जांच में जिनकी जांच की जानी है। हाँ, ऐसा बताया गया कि वो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। तो बता दें, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान इंदौर में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता रमेश चंद्र प्रजापति ने खुद पर कैरोसिन डाल लिया था और आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया था और बता दें कि 90% तक ये जल चुके थे। इसके बाद इनका इलाज जारी था और देर रात इन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि पार्टी की ओर से ये सीएए का विरोध कर रहे थे और उसके बाद खुद पर कैरोसिन डाल लिया था और देर रात इलाज के दौरान एमवाई अस्पताल में इनकी मौत हो गई है। बता दें, इंदौर में कम्युनिस्ट नेता रमेश प्रजापति की 2 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई है। सीएए के विरोध में कैरोसिन डालकर खुद को आग लगाई थी और जेब से इनके पर्चे भी मिले हैं, नागरिकता संशोधन कानून विरोधी पर्चे भी मिले हैं। बता दें कि गीता भवन चौराहे की पूरी घटना थी, जहां पर प्रदर्शन चल रहा था। पार्टी की ओर से तमाम नेता मौजूद थे और ये खुद भी रमेश प्रजापति मौजूद थे और इसी दौरान उन्होंने कैरोसिन डालकर आत्महत्या की कोशिश की थी। 90% तक ये जल चुके थे। इसके बाद इलाज के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 2 दिन बाद देर रात इनकी आज मौत हो गई है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें आपको कि सीएए के विरोध में आत्मदाह की कोशिश जो कम्युनिस्ट नेता रमेश प्रजापति ने की थी, 2 दिन बाद इनकी मौत हो गई है। कैरोसिन डालकर खुद को जलाने की इन्होंने कोशिश की थी। बता दें कि गीता भवन चौराहे पर पार्टी की ओर से तमाम नेता यहां पर मौजूद थे, जो एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहे थे और उसी में शामिल थे रमेश प्रजापति, जो विरोध कर रहे थे। इसके बाद खुद पर कैरोसिन डाला और आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन 90% तक वो जल चुके थे। इसके बाद इन्हें एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी था, लेकिन 2 दिन बाद अब इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। ये भी हम आपको बता दें कि जेब से इनके नागरिकता संशोधन कानून विरोधी पर्चे भी मिले हैं और अब पूरे मामले में पुलिस भी जाँच पड़ताल कर रही है।
चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चिंतन विजय वर्गीय हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। चिंतन, जानना चाहेंगे कि रमेश प्रजापति का 2 दिन इलाज चला और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? 2 दिन पहले इन्होंने विधवन चौराहे के पास में खुद को घास डाल के आग लगा ली थी। उसी के बाद उसमें ये 33% जल गए थे। 2 दिन से MY अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। इनकी हालत काफी गंभीर थी, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और कल रात को आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी के साथ में कई सवाल दबते रह गए कि आखिरकार उन्होंने आत्मदाह क्यों किया। रमेश प्रजापति कम्युनिस्ट पार्टी से करीब 50 साल जुड़े थे। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का कहना है कि कई विरोध प्रदर्शन लेके CAA के विरोध में जो अभी प्रदर्शन पार्टी उनकी कर रही है उसमें भी ये शामिल रहे थे, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा था या उनके हाव भाव देख के ऐसा कभी नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ भी कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास में कुछ एक पर्चे ऐसे मिले थे जिसमें CIE का विरोध था, उसमें नीचे उनकी साइन भी थी। तो तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि वो इस घटना को लेके ये कदम नहीं उठा सकते। 2 दिन पहले उन्होंने घटना के बाद IG इंदौर से मिलकर भी जांच की मांग की थी, उन्होंने घटना पर शंका भी जताई। जी बिल्कुल चिंतन, इनके परिजनों से कोई बातचीत हो पाई? क्योंकि जब इन्होंने आत्मदाह की कोशिश की तो इनके बेटे का कहना था कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप ना दिया जाए, अब कोई बातचीत हो पाई है परिजनों से? जी, उनके बेटे से बात हुई थी तो बेटा और पूरा परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके पिता ने इस घटना को लेकर आत्मदाह किया। उन्होंने कहीं ना कहीं इस घटना पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की है। वे चाहते हैं कि पिता की मौत की हकीकत सामने आए कि आखिर किन वजहों से पिता ने आत्महत्या की। जिस दिन घर से वे निकले थे उस दिन भी वे काफी सामान्य थे, खाना खा के घर से शाम 5 बजे निकले थे। हमेशा ही वो प्रदर्शन या पार्टी की मीटिंग या कार्यक्रमों के लिए निकलते हैं तो परिवार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात में जब उन्हें घटना पता चली तो वो सकते हुए आ गए कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो परिवार अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो काफी सामान्य थे, ना उनको कभी गुस्सा आता था ना किसी बात पे वो तनाव में थे, तो आखिरकार क्या वजह रही कि वो उन्होंने ये कदम उठा लिया। कहीं ना कहीं परिवार इस पूरे मामले पे शंका जता रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वो जांच की बात कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया चिंतन इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो बता दिया, पुलिस भी जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और परिवार वालों ने भी यही कहना है कि ऐसा कुछ वजह नहीं थी, ना ही किसी से कोई किसी तरीके के रिश्ते खराब थे, लेकिन ये कदम क्यों उठाया और क्यों कैरोसिन डाला और आत्मदाह की कोशिश की थी। बहरहाल अब पुलिस जो है पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है।